इधर कर कोशिश करें। भाई साहब तबीयत कैसी है आपकी? पिछले दो दिन से वायरल से पीड़ित चल रहे हैं, उसके बाद भी आज मीटिंग में आए हैं। दो दिन से वायरल से आज तो मेरी छुट्टी करो, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। किस तरह का पूरा संजय और उधर चला जाए, पुनीत भाई को तो धक्का दे दे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लाइव ऐसे नहीं था ना, फर्क पड़ता है कैसे? ये चांस के बाद जेकेडी ग्रुप की है, जेकेडी जो का किशोर डेरे वाला ये वाला। संजय विजुअल बना लो तो यार, मेरे कहने से तुम बुरा मत माना कर देगा। वैसे नमस्ते, कैसे हो? सबको नमस्कार। वो आपको सबको पता ही है इम्पोर्टेंस। मंथन जारी है, मंथन जारी है और आप भी मंथन कर रहे हो, हम भी मंथन कर रहे हैं और मंथन में से अच्छी लिस्ट निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। चुनाव घोषणा पत्र का विषय भी रहेगा लेकिन ज्यादा विषय मंथन का ही रहेगा। एक नाम का पैनल भेजेंगे या तीन नाम का पैनल? ये मंथन होने के बाद ही तो पता चलेगा। अभी तो हम चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया में है भाई साहब। कितने सीटों के लिफाफे खुल चुके हैं रायशुमारी वाले? फिर मैं कह रहा हूँ, मैं हम है ही मंथन की प्रक्रिया में। गुड मॉर्निंग। इस बैठक में निश्चित रूप से चुनाव की नीति रणनीति पर विचार विमर्श होगा, आपके लिए बैठक बुलाएगी। कितने का पैनल तैयार हो रहा है इसको लेकर? ये अभी पता नहीं है, मैं तो
आपको चुनाव की प्रबंधन के हिसाब से ये कमेटी की मीटिंग है, तो चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाए किस चीज पे डिस्कशन होगा? तो आज एक साथ दो है, कोर ग्रुप की और चुनाव प्रबंधन समिति की, दोनों मीटिंग रखी हुई। ये मुझे विदित नहीं है, मैं ये बुलाया जरूर इसमें। थैंक यू। बिल्कुल इधर भाई साहब। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के भाजपा की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की हाई लेवल की बैठक आयोजित हो रही है। दो दिन ये बैठक चलेगी और इस बैठक में पैनल तैयार करके दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में संसदीय बोर्ड टिकटों पर मुहर लगाएगा। जयपुर की हिल्टन होटल में हाई लेवल बैठक चल रही है, दो दिन ये बैठक चलने वाली है। इस बैठक में राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। बीजेपी ने रायशुमारी करके हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया है और उस पैनल को अंतिम रूप देने के लिए यहां पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम आला नेता बीजेपी के यहां पर जुटे हुए हैं जो मंथन कर रहे हैं और यहां से टिकटों की जो सूची है, पैनल है, वो दिल्ली भिजवाया जाएगा और दिल्ली में 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में टिकटों के ऊपर मुहर लगेगी और इसके बाद नवम्बर के पहले सप्ताह में उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की पहली सूची आने वाली है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ आशीष तिवारी, A1 TV जयपुर। अभी आपका मानना है, अभी हमारे सामने ये डेट तय नहीं हुई, मैं कह नहीं सकता, आप तो माना हुआ कह सकते हो, लेकिन मैं वही बात कहूँगा जो तय हो चुकी है। ये एक संयोग की बात है, इसको मैं संयोग कहूँगा। ऐसा कोई मतलब पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं है कि ये जाट हो या ब्राह्मण हो, ये बात आप लोग थोड़ा मैं इस पर कहता हूँ। कोर कमेटी में जो मंथन चल रहा है, ये कब तक चलेगा और इसमें क्या किस रूपरेखा में आप लोग विचार करें? ये एक्चुअल में इलेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर है। पार्टी के जो कोर कमेटी बैठी है, पूरा अगला जो चुनाव 7 दिसंबर को होने जा रहा है और उसके लिए अभ्यर्थियों की भी बात होती है, इसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं, कौन आएंगे, कब किस जगह बुलाया जाएगा, इन सब पे मंथन पार्टी करती रहती है। मोदी जी, अमित शाह और योगी जी की सभाएं भी इसी बैठक में तय होंगी? निश्चित रूप से उनकी चर्चा होगी इन बातों पर। माना जा रहा 3 तारीख को योगी जी भीलवाड़ा की टिकट। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि टिकट देने का काम करती है, हम काटने के आधार पर तय नहीं करते, जीतने की संभावना के आधार पर टिकट तय करने का काम। बड़े नेताओं को 2 सीट से लड़ने की अनुमति या संभावना को लेकर कोई मंथन? अभी इसके ऊपर कोई पार्टी ने कहा कोई बदलाव की अनुमति नहीं है, किसी को बदलने का नहीं मिलेगा और बाकी जो स्थिति आती है, अभी तक 2 सीट के लड़ने का विषय कहीं से निकल के आया, जो कुछ आएगा वो आपके सामने। क्या जातिगत आधार को टिकट फाइनल करेंगे या फिर सिर्फ? मैंने आपको बताया कि जीतने की संभावना, हम पार्टी कभी जाति के आधार पर हम निर्णय नहीं करते, जीतने की संभावना उसमें सब समीकरणों को देख करके संभावना जो बनती है उसके आधार पर निर्णय करें। देखा जाए इसमें आगे दिल्ली में कब मीटिंग होनी है, कितने नाम आप लोग यहाँ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज एक कोर ग्रुप बैठा है जहाँ हम प्रत्याशियों के जितने भी नाम आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, वहीं
चुनावी रणनीति, प्रवास, इन सब विषयों के ऊपर भी एक विस्तृत चर्चा हो रही है। सुबह लगभग 10 बजे से मीटिंग चालू हुई है, अभी मीटिंग चल रही है, आज का करने के बाद कल भी शाम तक बैठेंगे और बैठने के बाद जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा उन निष्कर्षों के साथ 1 तारीख को एक बार दिल्ली में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने लेकर के यहाँ जाएंगे और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा वो पार्टी उसको स्वीकार करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से दिल्ली की बैठक में कौन कौन रहेगा? जिस जो भी जाने का तय होगा आपकी जानकारी में आ जाएगी। आज कितना काम हो जाएगा, 50 फीसदी या उससे ज़्यादा? देखिए कल शाम तक जितना काम होगा उसको लेकर के हम जाएंगे। देखिए 200 विधानसभा की सीट है, हम 200 के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें जहाँ प्रत्याशियों का चयन है, मैंने जैसे बताया कि चुनाव की रणनीति के मुद्दे, कुछ और राजनीतिक मुद्दे, उसके बाद प्रवास, इन सब विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा इसमें पैनल में कितने किन किन चीज़ों का कोई ऐसा इसको तय नहीं किया। जितनों के ऊपर हम कहीं एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जितने निष्कर्षों पर पहुँचेंगे उनको लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने पैनल डिसाइड करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? विनेबिलिटी है, पार्टी की निष्ठा है, इन सब विषयों को लेकर के हम जाने सर्वे और जो स्वयं रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सतत सक्रिय रहने वाली पार्टी है। ग्राउंड तक, रूट लेवल तक हमारा संगठन है, कार्यकर्ता हैं, उन सब से राय, समाज की राय, ये सब कुछ जो संकलन आया है उस सब संकलनों को सामने रख करके राजनीतिक आधार पर जीतने की संभावना के आधार पर निर्णय। सब कुछ मैंने जो कुछ भी निकला है आज जितना भी कुछ आया वो सब निचोड़ को इसमें रखकर फिर हम क्या मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसे ही तय कर लेगा उसकी सूचना उस सूची को जारी करेगा। क्या जातिगत अभी कोई इस बारे में नहीं, पार्टी ने पहले ही कहा कि हम बदलने की अनुमति किसी को नहीं। गुजरात में बहुत सारे टिकट ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बना करके टिकट बांटने की बात करे और कुछ करे तो इतने आदमी लोग आ जाते हैं और महीनों भर प्रयास करके और इस प्रकार का जमावड़ा 40-50 हज़ार आदमी आते हैं तो इससे किसी जाति विशेष का रुझान कभी साफ नहीं होता। कभी जाटों का रुझान भाजपा के पक्ष में रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। आपको लगता है कि टिकटार्थियों की भीड़ थी, जो हनुमान बेनीवाल की जो भीड़ थी वो टिकटार्थियों की महज भीड़ थी? टिकटार्थी प्लस आए हैं लोग जिनको मैंने बताया ना, आपने अभी सुना होगा कि जिनको लगता है कि कहीं जगह मिले, किसी प्रकार की पार्टी में कोई टिकट मिले, कोई महत्वाकांक्षा हो, उनके लिए बात होती है। मेरी समझ में मैं कभी किसी पार्टी में नहीं था, पहली बार पार्टी में आया तो अवसरवादिता नहीं कह सकते, या मेरा ये नहीं है कि आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, आरोप तो हर कोई किसी पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। देखिएगा इससे किसी भी प्रकार का हमारी पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। राजस्थान के अंदर घर घर में, जन जन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण विश्वास है और लोग इस पार्टी के प्रति समर्पित हैं, साथ में हैं और इस कारण से ये जैसा बताया गया है कि हर व्यक्ति अपने जो हताश है, निराश है, उन व्यक्तियों को अपनी निराशा को दूर करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करके अपने आप को खुश होने की कोशिश करते हैं। दो बीजेपी के ये आपका गलत सोच है, बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं के रूप में हम आपसे बात करने आए हैं इस प्रकार की कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम बैठे थे तो दोनों को दोनों आए हैं आपके सामने बात करने के लिए। तो कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन पिछले दिनों बिंदु चौधरी गई हैं, आपकी सरकार के मंत्री हैं, उनकी बहन है, वो आपकी रिश्तेदार लगती हैं, इन चीज़ों से क्या पार्टी के कैडर में मैसेज गलत नहीं जाता कि पार्टी कुछ लोग ऐसा है? देखिएगा यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो सरकार बनते ही कहीं जाए दूसरी पार्टी में, तब तो लगता है कि वास्तव में वो किसी कारण से गए हैं, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले वो जाते हैं जो केवल मात्र अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों को ध्यान में रखते हैं, उससे पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता। ये 11 करोड़ की पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य जिस पार्टी के हैं और पूरा देश इस पार्टी के साथ जाने को अवसरवादिता कहेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इसको अवसरवादिता कहूँगा। तो ये माना जाए कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, चाहे कुछ भी हो, ये नहीं
हर वो देख रही होगी मुझे यहाँ कहीं टिकट नहीं मिला या कोई लाभ का पद नहीं मिला या मुझे कोई नहीं मिला, इस कारण से भी जा सकती है। आज आप लोगों ने जाट 81 पर होने लाइव 37। अरे आगे आगे मत जाओ, आप मत जाओ। हाँ भाई चलिए। आज हनुमान महलीवाल जी की एक रैली जयपुर में हुई है जिसमें श्रीमान घनश्याम तिवारी और आप पार्टी के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है कि ये पूरी रैली हताश और निराश लोगों का एक जमावड़ा था। उन्होंने मुद्दों के ऊपर बात करने के स्थान पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इस पूरी रैली में किया, जो राजस्थान की परंपरा से कोसों दूर है। राजस्थान की परंपरा है कि हम किसी व्यक्ति के विरोध करने में भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो किसी भी रूप में राजस्थान की जनता को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि युवाओं को लेकर के रोजगार की बात की। आज ये राजस्थान की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में, जिसने लगभग 3.5 लाख रोजगार के निकालने की बात की, जिसमें से लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है और बाकी 1 लाख के आसपास लोगों को रोजगार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पिछले वर्षों से तुलना करें तो काफ़ी संतोषजनक और बहुत अच्छी प्रगति की दिशा में बढ़ने का है। और इसके साथ साथ लगभग 13 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं कुशलता प्रदान करते हुए प्राइवेट सेक्टर में या तो खुद ने अपना काम शुरू किया या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण की उपलब्धता, उस ऋण के माध्यम से उद्योग धंधे आपका अपना स्वयं का कोई रोजगार शुरू करने का प्रयास किया, ऐसी संख्या लगभग कोई 16.5 लाख होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। आज उसी रैली में एक कहीं बेटियों की सुरक्षा के विषय को उठाया गया। शायद ये जानकारी उनको नहीं है कि ये राजस्थान की विधानसभा थी भारतीय जनता पार्टी का शासन, जिसमें बेटियों की सुरक्षा के विषय को गंभीरता से लेते हुए कि समाज या सरकार किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसा दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए फांसी की सजा को नियत करने का काम इसी राजस्थान की सरकार ने किया। मेरा स्पष्ट मानना है कि केवल कुछ अपने ख्वाब पका करके उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के पूरे जमावड़े को खड़ा करने का प्रयास किया था। बाकी विषयों पर केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब ने विषय को रख लिया।